ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ. यात्रा क्यों निकाली आज, क्या है? वायदा किया गया था कि अच्छे दिन आएंगे। पिछले 2.5 वर्षों में अच्छे दिन जितने थे जनता के, उनकी धीरे धीरे हत्या की गई। एक सुनियोजित तरीके से इन अच्छे दिनों की हत्या की गई। उसमें हत्या करने का जो इनका मकसद है और जैसा तरीका है, सबसे पहले महंगाई बढ़ना, महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, लघु उद्योग खत्म हुए, किसान बागवान परेशान हुए, सैनिक हमारे सीमाओं पर मरे, उन्होंने बलिदान दिए, सीमा पर जो टेंशन है वो ज़्यादा बढ़ी, आतंकवाद पर कोई काबू नहीं पाया गया, चारों तरफ आज आतंकवाद की खबरें सुनने को मिलती हैं। सब कुछ बताया गया था, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में डाले जाएंगे, अच्छे दिन आएंगे, वो अच्छे दिन केवल जुमले रह गए। और अब आखिरी कील जो है व्यापारी वर्ग को, वो नोटबंदी करके उसे लागू करके वो आखिरी कील थी जो हमारी अर्थव्यवस्था को ख़त्म किया है इन्होंने। तो ये अच्छे दिन जनता नहीं चाहती थी, तो ये नोटबंदी करके ये आखिरी कील थी जो ठोक दी गई है और अच्छे दिनों की वाकई में हत्या हो गई है। लोगों में रोष है, आज हम पूरे बाज़ार में चले, व्यापारी वर्ग लोग यूथ सब लोगों ने बोला। अभी एक साजिश के तहत देश को आतंकित किया जा रहा है, लोगों को दबाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। हम इसके खिलाफ़ अपनी आवाज़ उठाना चाह रहे हैं।